मेरे को मालूम है ट्रेंडिंग और मिलियंस ऑफ व्यूज से इतना लगाव नहीं है जितना मुझे लोगों के प्यार से लगाव है। जो लोग कमेंट्स लिखते हैं, जिस तरीके के उनके रिएक्शंस होते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा कीमती है देन द मिलियंस ऑफ व्यूज एंड जो ट्रेंडिंग। वो तो होता ही है, वो ऑब्वियसली उस चीज़ का ही पार्ट है, लेकिन मुझे ये जानना है कि लोगों को गाना अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, या उन्हें उनके दिल में ये जगह बना पाया है या नहीं। मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड टच वुड, अभी तक जो भी गाने रिलीज़ किए हैं लोगों के दिल को छुए हैं और उनको उनके प्लेलिस्ट में गए हैं, वो मेरे शोज़ पे जब आते हैं वो ज़ोर शोर से वो लिरिक्स गाते हैं, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत एक कीमती चीज़ है फॉर मी टू एक्सपीरियंस। कि एक आर्टिस्ट का यही एक होता है कि वो जब शो पे अपना माइक ऑडियंस की तरफ करे, वो जो लिरिक्स हैं वो वापस उनको सुनाई दे फ्रॉम द फैंस, तो वो एक फीलिंग बहुत अमेजिंग है। एक्टिंग का मुझे काफ़ी लोगों के ऑफर्स आए हैं एक्चुअली, और लोग मुझे काफ़ी पूछते हैं कि आप कभी एक्टिंग करोगे, और मेरे म्यूज़िक वीडियोस भी देख के लोगों को लगता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। मेरा बस यही एक चीज़ है कि मैं किसी भी चीज़ को हाफ हार्टेडली नहीं करना चाहता हूँ, या आधे अधूरे जोन में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर मैंने इतने साल सिंगिंग ट्रेनिंग किया है और सीखा है प्लेबैक सिंगिंग, उसी तरीके से एक्टिंग भी, मतलब ऐसे ही मैं सोचूं कि यार हाँ आज मैं एक्टिंग करूँगा, वैसा नहीं चाहता हूँ मैं अच्छे से प्रिपेयर होके आना चाहता हूँ। अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन हो, डांस हो या एक्शन हो, ये सब चीज़ें हैं एक्टिंग में बहुत नेसेसरी। ये सब स्किल्स मेरे में फ़िलहाल, मतलब डांसिंग में थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ म्यूज़िक से ग्रूव करते हुए, लेकिन इतनी ट्रेनिंग नहीं है एक्टिंग के फील्ड में, और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से ट्रेन करके आऊँ जब भी आऊँ। और फिलहाल म्यूज़िक में इतने सारे चीज़ें हो रही है, इतने सारे सॉन्ग्स हैं, इतने अलग इंडस्ट्रीज़ में मैं गा रहा हूँ, मैं इंग्लिश में भी गा रहा हूँ, मैं रीजनल जो हमारे सिनेमा है, तेलुगु तमिल साउथ इंडियन जो फिल्म्स हैं उनके लिए गा रहा हूँ, हिंदी फिल्म्स के लिए गा रहा हूँ, हिंदी नॉन फिल्म भी गा रहा हूँ, तो मेरा पूरा जो साल है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो जाता है म्यूज़िक के साथ। तो मुझे खुद नहीं लगता है कि यार हाँ यार एक स्पेस है जहाँ पे मैं ट्राई कर सकता हूँ एक्टिंग। लेकिन अगर एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आए जिसमें मैं मुझे लगता है कि मैं जस्टिस कर पाऊँ, जिसमें मुझे लगता है कि मैं नेचुरली एक्ट कर पाऊँ, खुद जो मैं खुद हूँ नॉर्मली वो ही मैं अगर स्क्रीन पे प्रेजेंट करूँ, जैसे म्यूजिशियन का एक कुछ सीरीज़ निकले या म्यूजिशियन के ऊपर एक फिल्म बने, तो ऐसा कुछ अगर कुछ आए तो आई वुड बी ओपन टू इट। बट अदरवाइज मैंने इतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है। मैं जैसे प्रोजेक्ट्स मेरे पास आते हो उस तरीके से मैं उसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, अगर अच्छा लगता है तो फिर मैं करता हूँ। फिलहाल एक्टिंग नहीं किया है मैंने, लेकिन जब भी करूँगा अच्छा करूँगा, दैट्स माई मेन प्लान। पता नहीं मैं अभी मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँगी ये फीलिंग को। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए चुनते हैं, मुझे एक गाने के लिए चुनते हैं, और मुझे मतलब सही फिट समझते हैं कि हाँ ये गाना अरमान जस्टिफाई कर पाएगा, ये अरमान बहुत अच्छे से गा पाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इतने कम टाइम में, इतने कम उम्र में ये कर पाया हूँ खुद के लिए, मेरे करियर के लिए। बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम सिंगर्स हैं जो मेरे एज के हैं इस इंडस्ट्री में, और कभी कभी मुझे भी लगता है यार हाँ यार मतलब सब कुछ इतना जल्दी हो चुका है, कहीं ये जल्दी ख़त्म ना हो जाए, कभी कभी ये डर भी होता है काफ़ी लोगों को। लेकिन मेरा एक यही एक चीज़ रहा है कि हम्बल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जितना भी लोग चढ़ाते रहे और लोग कहते रहे हाँ यार यू आर द बेस्ट और आप बहुत अच्छा काम करते हो, मैं उतना ज़्यादा मतलब उसे दिल पे नहीं लेता, दिमाग में नहीं रखता हूँ। मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, और हर साल एक साल मतलब हर साल सेम नहीं होता। एक साल प्रॉब्ली आप अच्छा काम कर रहे होंगे, नेक्स्ट साल आपको प्रॉब्ली काम नहीं मिले, तो ऐसा होता है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और मैं ऐसी करियर बनाना चाहता हूँ जो एक बहुत टाइम तक चले। मैं सिर्फ 2-3 साल या 4 साल के लिए वाला सिंगर नहीं बनना चाहता हूँ। और जैसे किशोरदा, रफ़ी साहब,
जिनके करियर्स इतने थे, उन्होंने 15-15 हज़ार गाने गाए, उस तरीके का करियर मैं देखता हूँ खुद के लिए। हाँ, मैंने शुरुआत बहुत एक यंग एज से की, और मुझे मुझे जो मेरे एज पे जो मिला है वो मुझे नहीं लगता कि प्रॉबेबली किसी और सिंगर को मिला है, लेकिन इसी फैक्ट को लेते हुए मुझे यही करना है कि हाँ, जब मैं 60 का हो या 65 का हो या 70 का हो, तब भी मैं गाता हूँ, तब भी मेरे गाने बजे, तब भी मैं रेलिवेंट हूँ अलग तरीके से। वो डेफिनेटली है कि हाँ, जब आप ओल्ड आर्टिस्ट बन जाते हो तो नया एक यंग सिंगर आ जाता है, वो हमने देखा है ऑलवेज। कुमार शानू, उदित नारायण सर थे, फिर सोनू निगम आए, फिर सोनू निगम के बाद के शान, देन अरिजीत, देन मी, और फिर कल कोई और होगा, कल कोई और अरमान या कोई और अरिजीत आएगा। तो हमें उस चीज़ को कभी, मतलब खुद को कभी इतना बड़ा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलवेज साइकिल चलती रहेगी, नए लोग आते रहेंगे। हमें बस लोगों के दिल में बसना है, अच्छे अच्छे गाने करने हैं, और करियर को एक लॉन्ग ग्राफ देने की ज़रूरत है। मतलब वो सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आप सेलेक्टिवली अच्छे गाने गाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स करो, बर्नआउट नहीं हो, क्योंकि काफ़ी लोग 1-2 साल में 50 साल का काम कर लेते हैं। थोड़ा स्प्रेड आउट करके काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस तरीके का माइंडसेट रखता हूँ, और मुझे कभी भी खुद की सक्सेस की या खुद के फेम की वो जो एक होता है ना कि हाँ मैं ये हूँ, ये मुझे कभी आया ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अभी भी लोग चाहते हैं, लोग अभी भी काम देते हैं, और मुझे एक गाने के लिए बुलाते कि हाँ यार, ये अरमान के लिए गाना, लोग जब अगर ये सोचते हैं कि हाँ अरमान ये अच्छा जस्टिफाई कर पाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वो एक हर एक प्लेबैक सिंगर, हर एक सिंगर के लिए एक बड़ी बात है जब एक डायरेक्टर, एक म्यूजिक कंपोजर और एक एक्टर ये सोचे कि हाँ यार, ये परफेक्ट रहेगा इसकी आवाज़ में। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग।